हाय दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो पहले मैं एक बार रिवाइंड करवा देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। सबसे पहले मैंने आपको आर्मेचर रिएक्शन का मीनिंग एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आपको ये बताया था आर्मेचर रिएक्शन के दो डिसएडवांटेजेस होते हैं कि वो वेव फॉर्म फ्लक्स डेंसिटी का डिस्टर्ब करता है, डिस्टॉर्ट करता है, और साथ ही साथ वो फ्लक्स को हमारा रिड्यूस भी करता है। ये दो ड्रॉबैक्स थे। अब मैंने बोला था कि आर्मेचर रिएक्शन समझने के लिए हमें आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हमने पहले फील्ड पोल की मैग्नेटिक फील्ड बनाई, फिर हमने आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड बनाई, फिर दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाई। तो हमने देखा कि पोल के एक टिप पे अगर फील्ड्स ऐड होती हैं तो दूसरे टिप पे सब्ट्रैक्ट होती हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया कि आर्मेचर रिएक्शन का स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग दोनों इफेक्ट होता है, बट वीकनिंग डोमिनेट कर जाता है क्योंकि स्ट्रेंथनिंग में फील्ड सैचुरेट कर जाती है। फिर हमने लीडिंग और ट्रेलिंग पोल टिप के बारे में बात की। लीडिंग पोल टिप वो जिसमें कोई भी कॉइल वाइल रोटेटिंग एंटर करती है, ट्रेलिंग वो जहां से वो लीव करती है, और उसकी टर्म्स में भी हमने स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग इफेक्ट को समझा। ठीक है, इतना सब समझने के बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि जीएनए और एमएनए का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जीएनए हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है विद रेस्पेक्ट टू फील्ड पोल, और एमएनए होती है हमेशा 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू रिजल्टेंट एमएमएफ। और फिर हमने ये देखा ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन जीएनए और एमएनए में एक थीटा एंगल का शिफ्ट आता है। लास्ट में हमने बात की कि अगर हम लोग ग्राफिकल पिक्चर ड्रॉ करते हैं, जैसा कि फिगर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, तो हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड फील्ड पोल्स की फ्लैट टॉप्ड होती है, आर्मेचर का एमएफ ट्रायंगुलर होता है जिसकी जीरो वैल्यू डी एक्सिस पे आती है और मैक्सिमम वैल्यू क्यू एक्सिस या ब्रशेस के अलोंग आती है, और इसकी फ्लक्स डेंसिटी सैडल शेप्ड होती है। फिर इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट हमारे पास निकल करके आता है वो रिजल्टेंट डिस्टॉर्टेड होता है, और इसीलिए कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन कॉजेज डिस्टॉर्शन। तो आज अपना डिस्कशन जो है हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जितना लास्ट हमने कवर किया था। तो नेक्स्ट हेडिंग एक क्वेश्चन बना के लिखो, व्हाट आर द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। व्हाट आर द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, क्या क्या नुकसान है। सबसे पहला बात करते हैं आयरन लॉसेस की। अब देखो, आयरन लॉस जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर पड़े थे तो देखा था हिस्टेरेसिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू बी एम स्क्वायर एंड एडी करेंट लॉस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू बी एम स्क्वायर, वेयर बी एम इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। अब देखो, बिना आर्मेचर रिएक्शन के जो फ्लक्स डेंसिटी की वेवफॉर्म थी वो थी फ्लैट टॉप्ड। अब आर्मेचर रिएक्शन आने के बाद ये डिस्टॉर्ट हो गई, तो पहले मैक्सिमम वैल्यू इतनी थी, अब मैक्सिमम वैल्यू पहले से ज्यादा है। अगर मैक्सिमम वैल्यू बढ़ गई तो आयरन लॉसेस बढ़ जाएंगे। इसमें लिखना, ड्यू टू इंक्रीज इन पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, ड्यू टू इंक्रीज इन पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी आयरन लॉसेस इंक्रीज, आयरन लॉसेस इंक्रीज। अगली बात आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कम्यूटेशन। अब देखो, मैंने आपसे शुरू में भी एक चीज पूछी थी कि ब्रशेस को हम लोग क्यू एक्सिस पे या जीएनए पे क्यों दिखाते हैं। हमने क्या बोला था, ब्रशेस को हमेशा न्यूट्रल एक्सिस पे इसलिए दिखाते हैं ताकि जो कॉइल शॉर्ट सर्किटेड हो उसका ईएमएफ जीरो रहे, क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग के दौरान अगर कोई भी ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, इट विल कॉज लार्ज सर्कुलेटिंग करेंट। इसीलिए ब्रशेस कहाँ शो किए जाते हैं, जीएनए पे, जबकि वो प्रैक्टिकली कहाँ होते हैं, वो प्रैक्टिकली होते हैं पोल्स के नीचे, बट वो शॉर्ट सर्किट उस कॉइल को करते हैं जो जीएनए पे लाई करती है, पोल्स के परपेंडिकुलर होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, बस कम्यूटेटर ड्रॉ ना करना पड़े ये मेहनत बचाने के लिए ब्रशेस को जीएनए पे दिखा देते हैं। लेकिन अब हुआ क्या, देखो कि ब्रशेस तो जीएनए पे रखे थे लेकिन अब जीएनए पे फ्लक्स डेंसिटी जीरो नहीं है, और हमने ये भी बोला था ईएमएफ और फ्लक्स डेंसिटी का ग्राफ एक जैसा आता है, इसका मतलब ईएमएफ भी जीरो नहीं होगा। बीएलवी से ही तो निकालोगे, तो अगर बी नॉन जीरो है तो ईएमएफ भी क्या आएगा, नॉन जीरो। यानी अब जहां ब्रशेस रखे हैं, जो कॉइल शॉर्ट सर्किट हो रही है, उसमें जीरो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा,
कौन सा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, मोशनल ईएमएफ या रोटेशनल ईएमएफ, जिस कारण से देयर विल बी स्पार्किंग। अब इसमें लिखना, ब्रशेस आर शोन अलोंग क्यू एक्सिस, ब्रशेस आर शोन अलोंग क्यू एक्सिस बट दे आर एक्चुअली एट डी एक्सिस, बट दे आर एक्चुअली एट डी एक्सिस बिकॉज दे शॉर्ट सर्किट द कॉइल लाइंग अलोंग क्यू एक्सिस, दे शॉर्ट सर्किट द कॉइल लाइंग अलोंग क्यू एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट, विदाउट आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स डेंसिटी इज जीरो एट क्यू एक्सिस, सो देयर इज नो मोशनल ईएमएफ इन द कॉइल, नो मोशनल ईएमएफ इन द कॉइल एट क्यू एक्सिस एंड कम्यूटेशन इज स्मूथ। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स डेंसिटी इज नॉन जीरो एट क्यू एक्सिस विच कॉजेज एन ईएमएफ टू बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन विच कैन कॉज अ लार्ज करेंट टू फ्लो ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग एंड देयर बाय कॉजिंग स्पार्किंग। ठीक है, बात मेरी क्लियर हुई? कॉइल वही कम्यूटेट होगी जो क्यू एक्सिस पे, क्योंकि ब्रश कहां दिखा रखे हैं, क्यू एक्सिस, बट अब उसका फ्लक्स डेंसिटी और उसका ईएमएफ नॉन जीरो है, है ना। याद करो कम्यूटेशन में हमने तीन रेजिस्टेंस दिखाए थे, आर वन, आर टू और आर सी, बट वहां कोई ईएमएफ का टर्म नहीं था। अब ईएमएफ का भी टर्म आ जाएगा ड्यू टू दिस नॉन जीरो फ्लक्स डेंसिटी, यानी आर्मेचर रिएक्शन ने कम्यूटेशन को और खराब कर दिया। हम तो ये बोल रहे थे कि एल डी आई बाई डी टी वाली वोल्टेज स्पार्किंग कराती है, अब यहां पे एक और वोल्टेज प्रोड्यूस होने लगी, कौन सी, रोटेशनल वोल्टेज या मोशनल ईएमएफ, और ये भी क्या कराएगा, स्पार्किंग। याद करो मैंने डिलेड कम्यूटेशन में बोला था ना एल डी आई बाई डी टी वाली वोल्टेज से स्पार्किंग आ सकती है, सेम वे में एक और वोल्टेज यहां प्रोड्यूस होने वाली है, दैट इज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो ये दूसरा ड्रॉबैक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, आर्मेचर रिएक्शन क्यू एक्सिस की फ्लक्स डेंसिटी को नॉन जीरो बना देता है, और नॉन जीरो बनने की वजह से क्यू एक्सिस पे आने वाली कॉइल में ईएमएफ आता है, जिससे कि स्पार्किंग आती है। अगला ड्रॉबैक लिखो स्पार्किंग एट कम्यूटेटर, स्पार्किंग एट कम्यूटेटर। अब अगेन दोबारे से समझते हैं, जैसी वेवफॉर्म बी की थीटा के अगेंस्ट, वैसी ही वेवफॉर्म ई की ओमेगा टी के अगेंस्ट, यानी कुछ कॉइल्स का ईएमएफ ज्यादा होगा, कुछ कॉइल्स का ईएमएफ कम होगा। अब एक कॉइल हमेशा दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में लगती है, एक कॉइल का एक हिस्सा अगर वन में गया तो दूसरा हिस्सा हो सकता है टू थ्री किसी में जाए। अब दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में क्या होती है, माइका। अगर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ने से ईएमएफ बढ़ गया तो उस माइका वाली इंसुलेशन के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा, और वो वोल्टेज 30 या 40 वोल्ट से ज्यादा अगर हुआ तो क्या होगा, वो माइका वहां पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में चली जाएगी। तो इसमें लिखना, ड्यू टू हैवी डिस्टॉर्शन इन फ्लक्स डेंसिटी सम कॉइल्स हैव लार्ज ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हाइल अदर कॉइल्स हैव लेस ईएमएफ, सम कॉइल्स हैव लार्ज ईएमएफ व्हाइल अदर्स हैव लेस ईएमएफ। इफ द ईएमएफ इन अ कॉइल इज लार्ज देन वोल्टेज बिटवीन एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड सिंस माइका कैनॉट टॉलरेट वोल्टेज बियॉन्ड 30 to 40 volt, द इंसुलेशन मे डैमेज लीडिंग टू स्पार्किंग एट कम्यूटेटर सरफेस। ठीक है, लीडिंग टू स्पार्किंग एट कम्यूटेटर सरफेस। एक तो स्पार्किंग कम्यूटेशन की वजह से आई, क्योंकि जो कॉइल शॉर्ट सर्किट हुई उसका ईएमएफ था नॉन जीरो। दूसरी स्पार्किंग आई अगर दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच की माइका डैमेज हो गई, डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन आ गया, तब भी स्पार्किंग बन सकती है। अगला ड्रॉबैक, कॉस्ट ऑफ फील्ड वाइंडिंग, कॉस्ट ऑफ
फील्ड वाइंडिंग। अब देखो ये हम जानते हैं आर्मेचर रिएक्शन स्लाइटली डीमैग्नेटाइजिंग होता है, क्यों? क्योंकि उसका वीकनिंग इफेक्ट स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट के मुकाबले ज्यादा होता है। अगर उसका वीकनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो फ्लक्स को कम कर रहा है। अब मान लो तुम्हें फ्लक्स को बढ़ाना है तो तुम क्या करो, ये जो ओरिजिनल फील्ड फ्लक्स है इसी को बढ़ा लो। ओरिजिनल फील्ड फ्लक्स को बढ़ाने के लिए तुम्हें फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ बढ़ाना पड़ेगा, और एमएमएफ बढ़ाने के लिए उसके टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। ज्यादा टर्न्स लोगे माने ज्यादा कॉस्ट। तो इसमें लिखना आर्मेचर रिएक्शन इज स्लाइटली डीमैग्नेटाइजिंग सो इट रिड्यूसेस द रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी एंड इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर रिडक्शन इन फ्लक्स डेंसिटी द फील्ड वाइंडिंग टर्न्स नीड टू बी इंक्रीज्ड विच लीड्स टू एडिशनल कॉस्ट। सीधी बात, अगर कोई मेरा फ्लक्स कम करने की कोशिश कर रहा है और मैं अपने फ्लक्स को बढ़ा लूं तो मैं उसके इफेक्ट को कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन फ्लक्स या एमएमएफ बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आर्मेचर रिएक्शन से क्या क्या नुकसान है। अब अगला लिखना मैथड्स टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन। अब सीधी सी बात है, देखो भाई आर्मेचर रिएक्शन कुछ भी नहीं है, आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड है या आर्मेचर का फ्लक्स है। अब बात है ये मैग्नेटिक फील्ड को कम कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले लिखना पहला मेथड हाई रिलक्टेंस पोल टिप। अब देखो हमने ये देखा था पोल की एक टिप पे आर्मेचर रिएक्शन स्ट्रेंथनिंग होता है और एक टिप पे वीकनिंग होता है। देखो दोबारा बना देता हूं, अगर अच्छे से समझना चाहते हो ना, देखो आधा ही फिगर बना रहा हूं। जैसे नॉर्थ पोल के नीचे हमने क्रॉसेस दिखा रखे हैं ना, तो हमने क्या बोला था, ये क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होती है, जो कि मैंने बनाई भी थी। एक सेकेंड, सॉरी, क्रॉस की क्लॉकवाइज होती है, क्रॉस अंदर की तरफ होगा ना तो उसकी क्लॉकवाइज होगी। तो हमने क्या बोला था, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर ही निकलेगी, तो इधर ऐड हो जाते हैं और इधर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आर्मेचर और फील्ड फ्लक्स। जहां दोनों सेम डायरेक्शन में वहां ऐड, जहां दोनों अपोजिट वहां सब्ट्रैक्ट, और जहां दोनों परपेंडिकुलर वहां ना तो एडिशन ना तो सब्ट्रैक्शन, परपेंडिकुलर में होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां देखने मिलता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट मिलता है पोल की टिप पे, क्योंकि दो वेक्टर्स का सम मैक्सिमम तब हो सकता है जब वो पैरेलल हो, और मिनिमम तब हो सकता है जब वो एंटी पैरेलल हो, और बाकी तो वैल्यूज इंटरमीडिएट होती हैं। खुद ही सोचो ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैक्सिमम कब आएगा, जब दोनों पैरेलल हो, और मिनिमम कब आएगा, जब दोनों अपोजिट हो। यानी आर्मेचर रिएक्शन का मैक्सिमम इफेक्ट पोल टिप पे मिलता है। पोल टिप पे आर्मेचर रिएक्शन कम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज डोमिनेंट एट पोल टिप। तो इसमें लिखना द आर्मेचर फ्लक्स इज डायरेक्टली एडेड टू एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फील्ड फ्लक्स एट द पोल टिप। So it is most dominant at pole tip. And hence, if we can increase the reluctance at the pole tip,
if we can increase the reluctance at the pole tip, then the armature flux or armature reaction can be reduced. Armature flux or armature reaction can be reduced. अब उसके लिए क्या करो कि पोल टिप कुछ ऐसी बना लो. जिसमें कि एजेस पे गैप ज्यादा हो और सेंटर पे गैप कम हो. और ऐसी पोल टिप को क्या कहते हैं? शैम्फर्ड पोल. तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बाय द यूज ऑफ शैम्फर्ड पोल्स, बाय द यूज ऑफ शैम्फर्ड पोल्स वी कैन इंक्रीज द एयर गैप एट द पोल एजेस, वी कैन इंक्रीज द एयर गैप एट द पोल एजेस ड्यू टू विच रिलक्टेंस इंक्रीजेस एट द पोल एजेस एंड आर्मेचर फ्लक्स रिड्यूसेस. अब ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि डीसी मशीन में अगर कोई पूछे शैम्फर्ड पोल लगाऊं या नहीं, तो तुम क्या कहोगे? लगाने तो भाई आर्क शेप्ड चाहिए क्योंकि फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी मिलती है, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन को अगर कैंसिल आउट करना है तब तुम शैम्फर्ड पोल्स का यूज कर सकते हो. कभी भी ऐसा मत सोचना कि शैम्फर्ड का यूज साइनोसोइडल के लिए कर रहे हैं. साइनोसोइडल के लिए करते हैं लेकिन एसी मशीन में. डीसी मशीन में क्यों यूज करते हैं शैम्फर्ड पोल? टू रिड्यूस आर्मेचर फ्लक्स. दूसरा तरीका क्या होता है, जो पोल बना रहे हो पोल में जो लैमिनेशन यूज करोगे, यानी पोल पूरा एक साथ सॉलिड स्ट्रक्चर तो बनेगा नहीं, पोल में जो लैमिनेशन यूज करने वाले हो उसमें ना ऑल्टरनेटिवली प्लेस करो. मतलब एक लेफ्ट में जा रहा है तो एक राइट में, फिर अगला लेफ्ट में, फिर राइट में. इसमें होगा क्या, आर्मेचर रिएक्शन को बीच बीच में एयर गैप मिलेगा, क्योंकि आर्मेचर का जो फ्लक्स है ना, आर्मेचर का फ्लक्स अपनी जो लूप कंप्लीट करता है वो पोल से करता है. अब ऐसी मान लो यहां अगर एयर गैप आ गया, लैमिनेशन की वजह से यहां एयर गैप आ गया, तो आर्मेचर के फ्लक्स को मिलने वाली रिलक्टेंस बढ़ जाएगी. रिलक्टेंस अगर बढ़ गई तो आर्मेचर का फ्लक्स कम हो जाएगा. तो इसमें लिखना, इफ द फील्ड पोल लैमिनेशंस आर ऑल्टरनेटिवली प्लेस्ड देन एयर गैप इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ आर्मेचर फ्लक्स बिकॉज इट कंप्लीट्स इट्स क्लोज्ड लूप, इट कंप्लीट्स इट्स क्लोज्ड लूप through the field pole and hence due to air gap offered to armature flux reluctance increases. ठीक है, ये क्लियर हुआ. तो पहला तरीका क्या है, फील्ड पोल को लैमिनेट करके उसके लैमिनेशंस को अल्टरनेटिवली लगाया जाए. और दूसरा तरीका क्या हुआ कि शैम्फर्ड पोल्स का यूज किया जाए. अगला मेथड लिखना, रिडक्शन इन आर्मेचर फ्लक्स. देखो अभी मैंने बोला ना, ये जो आर्मेचर का फ्लक्स है ये अपना पाथ कहां से कंप्लीट करता है, फील्ड वाले पोल से. ऐसे तो कंप्लीट कर रहा था. अगर फील्ड वाले पोल में तुम बीच में इस तरह से होल्स क्रिएट कर दो तो होगा क्या, होल आने की वजह से बीच में एयर गैप आ गया, एयर गैप आ जाने की वजह से आर्मेचर फ्लक्स के रास्ते में एयर गैप पड़ेगा. तो उस फिगर को चेंज मत करना, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं. जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां जो है ना ऐसे लैमिनेशन कर लो, पंच कर लो होल्स इसके अंदर. अब ये जो क्रॉसेस हैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बनेगी, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड जब क्लॉकवाइज बनती है तो वो होल्स से होके गुजरती है, ठीक है, और जब वो होल्स से पास होगी तो उसका रिलक्टेंस ज्यादा ऑफर होगी. तो इसमें लिखना, By punching the holes in the field poles,
by punching the holes in the field poles. The air gap is introduced. Air gap is introduced in the path of armature flux. In the path of armature flux, due to which more reluctance is offered to armature flux. More reluctance is offered to armature flux, and armature flux reduces. Armature flux reduces. ठीक है? ये बात clear हुई? तीसरा लिखो, strong main field flux. Strong main field flux. अब इसका मतलब है अगर आर्मेचर रिएक्शन फील्ड फ्लक्स का 10% है तो तुम फील्ड फ्लक्स को और बढ़ा लो तो परसेंटेज वाइज देखोगे तो आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाएगा. तो इसमें लिखना, बाय इंक्रीजिंग द फील्ड फ्लक्स द रिलेटिव और परसेंटेज इफेक्ट, द रिलेटिव और परसेंटेज इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज रिड्यूस्ड. द रिलेटिव और परसेंटेज इफेक्ट of armature reaction is reduced. ठीक है? अब और क्या तरीका होता है armature reaction कम करने का? और होता है हमारा interpole और compensating winding. वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी एकदम से नहीं देख रहे हैं, कुछ ही time के बाद हम वो चीज भी पढ़ेंगे, interpole और compensating winding. तो चाहे तो नाम लिख सकते हो fourth और fifth method करके, interpoles and compensating winding. ठीक है, ये भी तरीका है आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करने का. अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, ब्रश शिफ्टिंग. ब्रश शिफ्टिंग. अब देखो अभी हमने क्या बोला कि ब्रशेस कहां रखे थे, क्यू एक्सिस पे, लेकिन क्यू एक्सिस पे अब फ्लक्स डेंसिटी जीरो नहीं थी. अब वो जीरो कहां थी, एमएनए पे, और एमएनए तो क्यू एक्सिस नहीं था, इसीलिए जो कॉइल कम्यूटेट हो रही थी उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही थी और उससे आ रही थी स्पार्किंग. तो मैं ये कहता हूं ब्रशेस को क्यू एक्सिस पे ही क्यों रखना है, ब्रशेस को शिफ्ट करके एमएनए पे रख दो. अगर भाई ब्रशेस को शिफ्ट करके एमएनए पे रख दोगे तो होगा क्या, एमएनए पे रख देने से अब वो उस कॉइल को कम्यूटेट करेंगे जो एमएनए पे है. अगर वो कॉइल कम्यूटेट होती है जो एमएनए पे है तो उसमें ईएमएफ क्या रहेगा, जीरो. लेकिन सवाल ये बनता है क्या इतना आसान है, क्या ऐसा हो भी पाएगा? हमने तो कह दिया ना भाई कि ब्रशेस को एमएनए ले जाओ, एमएनए वाली कॉइल में ईएमएफ जीरो है तो उसी को कम्यूटेट कर दो, स्पार्किंग का प्रॉब्लम ही खत्म. लेकिन चीजें इतनी सिंपल है नहीं जितना हमें अभी सोच करके लग रहा है. तो इसमें लिखना, ब्रशेस आर प्लेस्ड अलोंग जीएनए बट ईएमएफ इन द कॉइल अलोंग जीएनए इज नॉन जीरो विच लीड्स टू स्पार्किंग. नेक्स्ट पॉइंट, ईएमएफ इन द कॉइल अलोंग एमएनए इज जीरो सो ब्रशेस शुड ऑल्सो लाई अलोंग एमएनए टू इंप्रूव कम्यूटेशन. देखो पहले ओरिजिनल केस पढ़ते हैं जो हमने आर्मेचर रिएक्शन का कवर भी किया था लास्ट वीडियो के अंदर. फिर से वैसा ही डायग्राम बना देता हूं. ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने ऐसे दिखाया था कि ये जनरेटर की रोटेशन है और ये मोटर की. मैंने तुम्हें ये भी समझाया था दोनों की रोटेशन अपोजिट क्यों दिखाते हैं. फिर बीच में हमने कॉइल्स बना ली थी. अब वापस से सर्कुलर डायग्राम पे ही आ गए हैं ब्रश शिफ्टिंग को समझने के लिए. ठीक है, फिर क्या हुआ था, नॉर्थ के नीचे क्रॉसेस आए थे, निकाल सकते हो वी क्रॉस बी करके,
आई मैं वी क्रॉस भी दोबारे से नहीं कर रहा हूं, साउथ के अंदर डॉट्स आए थे, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, फील्ड वाइंडिंग का जो MMF है वो नॉर्थ से साउथ जा रहा था, आर्मेचर वाला आ रहा था डाउनवर्ड्स। तो क्या हुआ था, ये आ गया था रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर जो एक्सेस गई थी दैट वॉज योर MNA, और ये एक्सेस थी GNA। इसी को अगर फेजर डायग्राम अलग से बना भी लोगे तो ये था FF, GNA के अलोंग था हमारा, या ये कह दो ब्रशेस के अलोंग था FAR, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट था वो था FR। उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस थी दैट वाज MNA शिफ्टेड फ्रॉम GNA बाय एन एंगल थीटा, ठीक है। दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच होता है, तो ये वाला एंगल भी जो है ना वो थीटा ही है, ठीक है ना। तो GNA और MNA में शिफ्टिंग कितनी आ गई थी, थीटा की। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई जो कॉइल MNA के अलोंग रखी होगी उसका EMF जीरो होगा, इसीलिए ब्रशेस को भी क्या कर दो, ब्रशेस को भी ले आओ MNA के अलोंग। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, गलत क्या है इसमें, है ना। लेकिन होता क्या है, अब मैं जो है ना पोल्स वोल्स नहीं बना रहा हूं, ये है अपनी डी एक्सेस, ये है अपनी क्यू एक्सेस जो कि है GNA। अब इससे पहले मैं वही बना लेता हूं, ये FF था, ये कुछ FAR था, ये रिजल्टेंट था FR, और इसके परपेंडिकुलर थी अपनी MNA। अब हम क्या कहते हैं कि ब्रशेस को कहां रख दिया जाए, MNA पे। लेकिन एक बात समझो, ब्रश का काम होता है करंट को सप्लाई करना या करंट को एब्जॉर्ब करना। याद करो जो मैंने कम्यूटेशन वाला डायग्राम बनाया था, देखो एक चीज समझाता हूं, कम्यूटेशन वाला जो डायग्राम बनाया था मैंने, ऐसी कॉइल थी ना, मान लो ये कॉइल थी ए, सॉरी ये वाली कॉइल थी ए। अब हमारा जो ब्रश था सपोज वो वन पे रखा था, तो क्या हो रहा था, इधर से आईसी था, इधर से आईसी था, इधर से आईसी था, और इधर से आईसी था, तो ब्रश से कितना करंट आ गया था, टू आईसी। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रश के दोनों तरफ जो कॉइल हैं ए और बी, उनका करंट अपोजिट है, क्योंकि ब्रश या तो करंट एब्जॉर्ब करेगा या डिलीवर करेगा, बट कॉइल्स ऑन बोथ द साइड्स विल कैरी ऑपोजिट करंट। यहां तो देखो ये जो डॉट क्रॉस लगाते हुए तो वी क्रॉस बी से आते हैं, ये ईएमएफ बताते हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन कैसी होगी ये ब्रशेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ब्रश के दोनों साइड करंट अपोजिट पोलैरिटी का होता है। अब एक तरह से सोच के देखो, दो चीजें हो गई कि तुम डॉट क्रॉस में ईएमएफ दिखा रहे हो या करंट दिखा रहे हो, मुझे क्या दिखाना चाहिए, ईएमएफ या करंट। कायदे से मुझे दिखाना चाहिए करंट। क्यों दिखाना चाहिए करंट, क्योंकि अगर एमएमएफ बनाना है तो वो एनआई होता है, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, करंट की। तो एक पॉइंट ये लिखना, ब्रशेस आइदर सप्लाई करंट टू द मशीन और दे एब्जॉर्ब करंट फ्रॉम द मशीन, either supply current to the machine or they absorb current from the machine, so the current in two coils on either side of the brush, current in the two coils on either side of the brush is in opposite direction whereas the polarity of EMF
is decided on the basis of v cross b. कहने का मतलब ये हुआ कि डॉट और क्रॉस करंट वाले जो हैं वो किसके हिसाब से आएंगे, करंट वाले डॉट और क्रॉस आएंगे ब्रशेस के हिसाब से, ईएमएफ वाले डॉट और क्रॉस आएंगे वी क्रॉस बी के हिसाब से। लेकिन अगर एमएमएफ ड्रॉ करना है तो करंट देखना होगा ना कि ईएमएफ। तो अगला पॉइंट ये भी लिख लो, इन ऑर्डर टू फाइंड आर्मेचर एमएमएफ वी मस्ट फोकस ऑन आर्मेचर करंट इंस्टेड ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर, इंस्टेड ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर। तो अब देखो होगा क्या, ब्रशेस शिफ्ट तो हमने कर दिया लेकिन ब्रश के एक तरफ डॉट्स होंगे तो ब्रश के दूसरी तरफ क्या होंगे, क्रॉस होंगे। तो अब हम ये नहीं देखेंगे वी क्रॉस बी, अभी मैं जो डॉट क्रॉस लगाऊंगा वो किसके लगाऊंगा, करंट के। तो जैसे मान लो ब्रश के इस साइड पे क्रॉसेस हैं तो ब्रश के इस साइड पे डॉट्स हैं, ठीक है, और जो कॉइल शॉर्ट सर्किटेड है ब्रशेस की वजह से उसका करंट नहीं दिखाओगे। तो ये हमने क्या शो किया है, करंट, ठीक है, ये ईएमएफ नहीं दिखाया है। ऐसे ही ना यहां पे भी ब्रशेस थे तो ये अगेन हम क्या शो कर रहे थे, करंट, क्योंकि एमएनए शिफ्ट हो जाने के बाद ईएमएफ तो चेंज हो जाएगा ना, एमएनए शिफ्ट हो जाने के बाद इस कॉइल में जीरो ईएमएफ नहीं हो सकता, जीरो ईएमएफ इधर वाली कॉइल में होगा जो एमएनए के अलोंग है। जीएनए में क्या होगा, नॉन जीरो ईएमएफ, बट जीएनए वाली कॉइल का करंट जीरो रहेगा ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है, ये मेरी बात समझ आई। अब ये डॉट क्रॉस एक्सचेंज हो जाने से क्या होगा, जो आर्मेचर रिएक्शन नया आएगा वो अगेन ब्रशेस के अलोंग आ जाएगा, तो आर्मेचर रिएक्शन फिर से शिफ्ट हो जाएगा, अब वो स्टेशनरी नहीं रहेगा। आर्मेचर रिएक्शन अगर फिर से सरक गया, देखो इधर क्रॉस है नीचे से डॉट है, तो आर्मेचर रिएक्शन अब इस लाइन पे आ गया ना ब्रशेस के अलोंग, अगर आर्मेचर रिएक्शन ब्रशेस के अलोंग आ गया तो एफएआर चेंज हो गया, रिजल्टेंट चेंज हो गया, एमएनए फिर से चेंज हो गई, यानी तुमने ब्रशेस को एमएनए पे रखने की कोशिश की लेकिन ब्रश शिफ्ट करते के साथ एमएनए भी शिफ्ट हो गई, तो कभी भी एमएनए को नहीं पकड़ पाओगे। तो एक पॉइंट अगला ये लिखो, ड्यू टू चेंज इन करंट ओरिएंटेशन बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रशेस आर्मेचर रिएक्शन ऑल्सो शिफ्ट्स एंड लाइज अलोंग द ब्रशेस which again changes resultant MMF and hence again shifts MNA। तो देखो अब क्या हो रहा है, अच्छे से समझना, ये FF था, ये FAR आया था, ये FR आया था, ये हो गई थी हमारी GNA, MNA 1। अब लेकिन क्या हुआ, अगर ब्रशेस को MNA के अलोंग रख दिया गया तो क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन भी इसी के अलोंग आ जाएगा। अगर आर्मेचर रिएक्शन इसके अलोंग आ गया तो जब वापस से रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट नया आएगा, ये जो नया रिजल्टेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर एक्सिस भी नई होगी, तो ये हो गई MNA 2 शिफ्टेड बाय एन एंगल थीटा 2, तो MNA वापस से शिफ्ट हो गई। तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि ब्रशेस को शिफ्ट कर देने से ऐसा नहीं होगा कि तुम MNA पे पहुंच जाओ,
जब जब ब्रश शिफ्ट होंगे, आर्मेचर रिएक्शन शिफ्ट होगा, एमएनए शिफ्ट होगी, तो कभी भी ब्रशेस जीरो ईएमएफ वाली पोजीशन पे नहीं आ पाएंगे, जीरो वोल्टेज वाली पोजीशन पे नहीं आएंगे। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब जहां कॉइल में जीरो वोल्टेज हो, और अगर ब्रश जीरो वोल्टेज वाली कॉइल पे नहीं पहुंचा तो ब्रश जिस कॉइल को शॉर्ट सर्किट करेगा उसमें नॉन जीरो वोल्टेज होगी, और उसमें नॉन जीरो वोल्टेज है दैट मीन्स कि उसके अंदर सर्कुलेटिंग करंट बनेगा विच विल कॉज स्पार्किंग। तो इसमें लिखना, ब्रशेस कैन नेवर लाई अलोंग एमएनए, सो विच एवर कॉइल गेट्स शॉर्ट सर्किटेड हैज नॉन जीरो वोल्टेज इंड्यूस्ड इन इट विच विल कॉज स्पार्किंग। ठीक है, अब देखो यहां से एक बात समझ आई। अभी तक तो हम डायरेक्टली डॉट क्रॉस वी क्रॉस बी से लगा दे रहे थे, लेकिन जब से आर्मेचर रिएक्शन आया तो एक चेंज हमारे पास क्या आ गया कि वी क्रॉस बी से डॉटर क्रॉस ईएमएफ के तो लग सकते हैं, लेकिन करंट के डॉटर क्रॉस किसके हिसाब से लगते हैं? ब्रशेस के। अभी तक करंट और ईएमएफ के डॉट क्रॉस कोइंसाइड कर रहे थे जब तक आर्मेचर रिएक्शन की बात नहीं की गई थी, वरना करंट की डायरेक्शन हमेशा ब्रशेस से डिसाइड होगी, ईएमएफ की डायरेक्शन वी क्रॉस बी से। दोनों का डिफरेंस याद रखना। अब देखो क्या होता है अगर ये आर्मेचर रिएक्शन शिफ्ट हो गया। देखो मैं नया डायग्राम बना के दिखा देता हूं। अगर ये आर्मेचर रिएक्शन ही शिफ्ट हो गया, ऐसे हो गया, तो ये आर्मेचर रिएक्शन को ना दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। एक तो देखो ये डी एक्सिस के अलोंग, एक ये क्यू एक्सिस के अलोंग। क्यू एक्सिस के अलोंग है अगर एफएफ के परपेंडिकुलर है तो ये वाला हो जाता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। परपेंडिकुलर का मतलब बताया था ना मैंने, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। और एफएफ के अपोजिट हो जाता है तो ये हो जाता है डी मैग्नेटाइजिंग। यानी कि जस्ट आर्मेचर रिएक्शन शिफ्ट होने से, पहले तो परपेंडिकुलर था ना, अब अगर ये परपेंडिकुलर नहीं रह गया तो इसके अंदर कुछ हिस्सा डीमैग्नेटाइजिंग है और कुछ हिस्सा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो ये भी लिखो, अर्लियर आर्मेचर रिएक्शन वॉज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, बट आफ्टर ब्रश शिफ्ट सम पार्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग व्हाइल द अदर पार्ट इज डीमैग्नेटाइजिंग अब बात यह है इसको सेपरेट आउट कैसे करें कि कितना क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और कितना डीमैग्नेटाइजिंग। अब देखो उसके लिए क्या करते हैं, ये तो अपनी जीएनए थी, ये डी एक्सिस थी। अब ब्रशेस को हमने क्यू एक्सिस पे ना रख के थोड़ा सा शिफ्टेड रखा, तो ये जो लाइन गई थीटा एंगल पे, ऐसी एक लाइन बना लो थीटा लेफ्ट में, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, टोटल 2 थीटा हो गया। इस 2 थीटा में देखो इधर तो क्रॉसेस दिखा रहे थे ना, ब्रश के लेफ्ट में क्रॉस दिखाए थे और ब्रश के राइट में डॉट दिखाए थे, यही तो थी करंट की डायरेक्शंस। एक्चुअल में क्रॉस तो इधर भी है, ऐसा मत सोचो कि आगे आर्मेचर ही नहीं है, आर्मेचर है बस अभी, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूं ये जो 2 थीटा एंगल के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रशेस के लेफ्ट में क्रॉसेस हैं और राइट में डॉट्स हैं। अब इसमें देखो ये जो ब्लैक वाले मैंने डॉट और क्रॉस बनाए हैं, ऊपर से अंदर जा रहा है करंट, नीचे से बाहर आ रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किसमें होगी, लेफ्ट में होगी। तो मैं ये बोल रहा हूं ये जो ब्लैक वाले डॉट और क्रॉस हैं, इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे 2 थीटा एंगल वालों की,
ऊपर से अंदर जा रहा है करंट, नीचे से बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रही है? लेफ्ट में। और फील्ड वाइंडिंग की कैसे है? राइट में। तो ये क्या हुआ? ये एक तरह से हुआ डी मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ। ऐसे ही ब्लू वालों की अगर बनाओगे, ब्लू वाले डॉट और क्रॉस, अब देखो राइट से बाहर आ रहा है, ब्लू में राइट से डॉट बाहर आ रहा है, लेफ्ट से क्रॉस अंदर जा रहा है, यानी किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है? नीचे की तरफ। तो ब्लू वाले डॉट और क्रॉस से जो एमएमएफ बनेगा वो नीचे की तरफ, और फील्ड वाइंडिंग का कैसा है? राइट में। तो ये क्या हुआ? एक तरह से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ, यानी आर्मेचर के जो ब्लैक वाले कंडक्टर हैं ये डी मैग्नेटाइजिंग देते हैं, और जो ब्लू वाले कंडक्टर हैं वो देते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। जैसे मैंने अभी बोला था आर्मेचर के एमएमएफ को दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, डी मैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। यहां मैंने ग्राफिकली भी बता दिया कि ब्लैक वाले जो टर्न्स हैं वो डी मैग्नेटाइजिंग देते हैं और ब्लू वाले जो टर्न्स हैं वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अब एमएमएफ की यूनिट क्या होती है? एम्पियर टर्न्स। तो हम ऐसे ही लिखते हैं कि मुझे ये जानना है डी मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ की जगह ना एम्पियर टर्न लिख देते हैं, डी मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल, कि कितना एमएमएफ डी मैग्नेटाइजिंग है। अब इसका क्या तरीका होता है? डी मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल का कि टोटल एम्पियर टर्न्स पर पोल कितने हैं? एक कॉइल में करंट होता है आई ए बाय ए, इतना होता है। कितने टर्न्स होते हैं? जेड बाय टू, जेड होते हैं कंडक्टर। तो हमें क्या पता है? एक टर्न में दो कंडक्टर हैं, तो 10 कंडक्टर में कितने टर्न? दोबारा सुनो, एक टर्न में दो कंडक्टर तो 10 कंडक्टर में कितने टर्न? 5, जेड बाय टू। पर पोल चलना है तो पी, इतना तो टोटल एमएमएफ होता है। ये है टोटल आर्मेचर एमएमएफ, लेकिन इसमें से कितना एंगल यूज करना है? 2 थीटा ऊपर का और 2 थीटा नीचे का, तो कितना यूज करना है? 4 थीटा बाय 360, या ऐसा कह दो 2 थीटा बाय 180 आई ए बाय ए जेड बाय 2p। और अगर मैं कहूं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग निकाल दो, यानी कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल, तो जितना बचा हुआ एंगल है वो सारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग देता है, तो कितना दे रहा है? 360 में से 4 थीटा हटा लो, टोटल कितना था? आई ए बाय ए जेड बाय 2p। 2 कॉमन निकाल लोगे अगर, ये आ गया। तो ब्रश शिफ्टिंग अगर थीटा एंगल से करते हो, और ये ध्यान रखना ये थीटा एंगल इलेक्ट्रिकल है, ये कौन सा एंगल लेना है? इलेक्ट्रिकल एंगल। तो अगर थीटा एंगल से ब्रशेस को शिफ्ट करते हो तो आर्मेचर रिएक्शन दो पार्ट्स में टूट जाता है, डी मैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अब अगर थीटा को जीरो कर दो तो डी मैग्नेटाइजिंग तो गया, सिर्फ क्या बचा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो एक पॉइंट ये लिखना, इफ वी शिफ्ट द ब्रशेस बाय एन एंगल थीटा, आर्मेचर रिएक्शन इज डिवाइडेड इंटू डी मैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ, डी मैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ इफ थीटा इज जीरो। इसी के आगे, इफ थीटा इज जीरो, डी मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ इज जीरो एंड एंटायर आर्मेचर एमएमएफ इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। डी मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ इज जीरो, एंटायर आर्मेचर एमएमएफ
इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अब बात है ब्रशेस को शिफ्ट किस डायरेक्शन में किया। देखो रोटेशन अगर दिखाएं ऐसे ही दिखा रहे थे ना, जनरेटर और ये मोटर, तो ब्रशेस को किसकी तरफ शिफ्ट किया है, जनरेटर की डायरेक्शन में या ये कह सकते हो मोटर से अपोजिट। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, ब्रशेस आर शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। अब मान लो ब्रशेस को उल्टा शिफ्ट कर देते, ये फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ था, ब्रशेस को मान लो राइट की जगह लेफ्ट शिफ्ट कर दिया होता, तो मैंने क्या बताया आर्मेचर एमएमएफ हमेशा किसके अलोंग आता है, ब्रशेस के, तो ये होता ना एफएआर। तो इसके दो कंपोनेंट होते, एक पैरेलल आता क्योंकि वाली डी एक्सिस है ये क्यू है, और एक आता परपेंडिकुलर। तो ये वाला भी पॉइंट लिख लो, पहले ये डायग्राम बना लेना फिर ये पॉइंट लिखो, इफ ब्रशेस आर शिफ्टेड ऑपोजिट टू जनरेटर रोटेशन एंड इन द सेम डायरेक्शन एज मोटर रोटेशन, इन द सेम डायरेक्शन एज मोटर रोटेशन, देन अ पार्ट ऑफ आर्मेचर एमएमएफ इज मैग्नेटाइजिंग एंड द अदर पार्ट इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। जनरेटर की डायरेक्शन में शिफ्ट करो तो डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, उल्टा शिफ्ट करो तो मैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। लेकिन देखो ब्रश शिफ्टिंग के अंदर दिक्कत क्या है कि कभी भी एमएनए को कैच नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट लिख लेना, लिमिटेशंस ऑफ ब्रश शिफ्ट, लिमिटेशंस ऑफ ब्रश शिफ्ट। तो पहला पॉइंट लिखना, इवन इफ द ब्रशेज आर शिफ्टेड MNA shifts further, but the shift is less. पिछला डायग्राम देखना, थीटा 2 यानी जो MNA 2 और MNA 1 के बीच का एंगल था वो थीटा 1 से छोटा था, यानी अगला जो शिफ्ट आएगा ब्रशेस को शिफ्ट करने के बाद वो पहले के मुकाबले कम आता है, but the shift is less, so we cannot catch MNA, so we cannot catch MNA. Next point, armature MMF depends on armature current. देखो IA पे dependent है, armature MMF depends on armature current, so the shifting of MNA is a function of armature current and hence the load, so brush shift has to be changed as the load changes, brush shift has to be changed as the load changes. इस बात का मतलब देखो ये है कि ये जो FF था, अगर आर्मेचर करंट बड़ा आया तो FAR बड़ा आएगा, तब जो रिजल्टेंट आएगा ये आ गया, अगर आर्मेचर रिएक्शन छोटा होता तब जो रिजल्टेंट आता वो अलग आता। तो इसका मतलब दोनों केसेस में जो एमएनए आती वो डिफरेंट आती। तो तुम ब्रशेस को कितनी बार चेंज करोगे, करंट बढ़ गया कम हो गया, हर बार रिजल्टेंट बदलेगा एमएनए बदलेगी, तो चलती हुई मशीन के अंदर बार बार ब्रशेस की पोजीशन चेंज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए ब्रश शिफ्ट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अगला पॉइंट लिखना, व्हेन इंटरपोल्स एंड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग वर नॉट यूज्ड, ब्रश शिफ्टिंग वाज एम्प्लॉयड। तो ये पुराना मेथड है, ऐसा अब नहीं करते जब हमारे पास इंटरपोल और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन स्मॉल डीसी मशीन ब्रश शिफ्टिंग कैन बी यूज्ड। जो छोटी मशीन है, जो सस्ती मशीन है, उसमें इंटरपोल और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगा पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वहां पे ब्रश शिफ्टिंग का यूज कर सकते हो,
लेकिन जो महंगी या बड़ी मशीन है, जहां तुम्हारे पास कॉस्ट भी है, जहां तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी हैं, तो वहां बेहतर यही होगा कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल का यूज किया जाए। मेरी बात समझ आई? ठीक है, तो देखो इसके बारे में इतना, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में इतना पता होना सफिशियंट है, जो हमने पिछले वीडियो और इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो ये जो दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं तुम्हें, डी मैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ये सब क्वेश्चन गेट में नहीं पूछे जाते हैं, बट अदर एग्जाम में सीधा वन मार्क क्वेश्चन करके ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। और इस टाइप के क्वेश्चन ना अक्सर टेस्ट सीरीज के अंदर भी दिख जाते हैं, बट गेट के लिए इस चीज में निश्चिंत रह सकते हो कि ऐसा सब नहीं पूछते हैं। तो अब देखो आज के लेक्चर में क्या क्या सीखने मिला। आर्मेचर रिएक्शन के ड्रॉबैक हमने देखे, आयरन लॉसेस, स्पार्किंग, कम्यूटेशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फील्ड वाइंडिंग। फिर हमने देखा कम करने के क्या तरीके हैं, रिलक्टेंस बढ़ा दो, उसके लिए शैम्फर्ड पोल ले लो, होल्स पंच कर दो, लैमिनेशंस अल्टरनेट कर दो, या इंटरपोल और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। फिर हमने कहा कम्यूटेशन सुधारने का तरीका यह है कि ब्रशेस को एमएनए पे रख दो, यानी जो कॉइल जीरो ईएमएफ वाली है वही शॉर्ट सर्किटेड हो। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आ गई, जैसे ही ब्रश शिफ्ट हुए आर्मेचर रिएक्शन शिफ्ट हुआ, आर्मेचर रिएक्शन शिफ्ट होते ही दोबारे से एमएनए शिफ्ट हो गई, तो एमएनए को कैच नहीं कर पाए। दूसरी बात हमने समझने वाली ये सीखी, आर्मेचर रिएक्शन आ जाने के बाद ईएमएफ की पोलैरिटी और करंट की पोलैरिटी सेम नहीं रहती। ईएमएफ की पोलैरिटी वी क्रॉस बी से आएगी और करंट की पोलैरिटी ब्रशेस के हिसाब से डिसाइड होगी। ये चीज हम लोगों ने देखी, इसीलिए हम जब डायग्राम बनाते हैं तो हम करंट को कंसीडर करते हैं, बिकॉज आर्मेचर एमएमएफ इज डिफाइंड बाय करंट एंड नॉट बाय वोल्टेज। अब देखो इसके बाद क्या बचता है, आर्मेचर रिएक्शन को एलिमिनेट करने के दो सबसे बेस्ट मेथड, दैट इज इंटरपोल और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। तो उस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, समझेंगे कि वो कैसे कम करते हैं पूरा डिटेल में, और उसके ऊपर जो भी फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं वो फॉर्मूलेज भी कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस टॉपिक को अपने वाइंड अप करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, थैंक यू।